जब इंडिया आज़ाद हुआ तब जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी आज़ाद भारत की। वो स्पीच यूनिवर्स में 73 लाइट ईयर्स दूर तक जा चुकी है। और गोपी बहू जब अपने पति का लैपटॉप धोती है वो वाला एपिसोड भी अर्थ से सबसे पास स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंच चुका है। मतलब अगर वहाँ एलियंस होंगे तो उन्होंने साथ निभाना साथिया का ये वाला एपिसोड देखा होगा। नासा ने 100 लाइट ईयर दूर एक और अर्थ जैसा प्लेनेट ढूंढ निकाला जहाँ एलियंस हो सकते हैं और नहीं भी। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच 73 लाइट ईयर दूर तक जा चुकी है, पर सबसे पहला रेडियो सिग्नल 73 लाइट ईयर से भी आगे 100 लाइट ईयर दूर तक पहुंच चुका है। तो फिर एलियंस भी क्यों नहीं अर्थ पर सिग्नल्स भेज रहे हैं? शायद एलियंस ने भी पृथ्वी पर सिग्नल्स भेजे होंगे, पर तब हम आदिवासी थे और ना ही हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे हम एलियंस के सिग्नल्स कैच कर सके। या शायद इतनी दूर की जगह एलियंस हमारे ही सोलर सिस्टम में हो सकते हैं। जुपिटर के मून यूरोपा पर नासा ने देखा कि वहाँ बहुत सारा पानी है और शायद वहाँ एलियन लाइफ भी पनप रही है, पर यह कंफर्म करने के लिए नासा के सामने दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत है पानी के ऊपर जमी हुई ठोस बर्फ। नासा ने देखा कि यूरोपा पर पानी है तो पर पानी के ऊपर ठोस बर्फ भी है। बर्फ की वजह से ये देखना मुश्किल है कि पानी में एलियन लाइफ है या नहीं। शायद जुपिटर के मून पर लाइफ ना मिले, पर एक मून जो कि हमारे ही सोलर सिस्टम में है वहाँ लाइफ जरूर है, और वो मून अर्थ का ही मून है। 11 फरवरी 2019 में इसराइल ने पहली बार मून पर जाने की कोशिश की जो कि फेल हो गई। इसराइल स्पेसक्राफ्ट बर्डशीट मून पर क्रैश हो गया। उसमें इसराइल ने बच्चों की पेंटिंग्स और धरती का सबसे कठोर जानवर भी भेजा। इन छोटे जानवरों को पानी का भालू कहते हैं। इन छोटे जानवरों को आग में फेंक दो, रेडिएशन में फेंक दो या बर्फीले पानी में फेंक दो, ये तब भी नहीं मरते। धरती पर सिर्फ यही छोटे जानवर है जो कि स्पेस में भी नहीं मरेंगे। इसी वजह से इसराइल ने ये छोटे जानवर लैंडर मॉड्यूल में भेजे जो कि अब मून की सरफेस पर इधर उधर घूम रहे होंगे। अभी तक नासा के टेलीस्कोप ने बहुत सारी गैलेक्सीज डिस्कवर की हैं। हबल टेलीस्कोप और लेटेस्ट नासा की टेस्ट टेलीस्कोप ने गैलेक्सीज और पृथ्वी जैसे प्लैनेट डिस्कवर किए। हबल टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज डिस्कवर की। अगर एंड्रोमेडा में एलियंस होंगे और वो हमारे प्लैनेट्स को देख रहे होंगे तो उन्हें पृथ्वी पर इंसान झाड़ियों में शिकार करते दिखाई दे रहे होंगे। और टेडपुल गैलेक्सी जिसकी एक बड़ी पूंछ है जो कि एक और गैलेक्सी के टकराने की वजह से हुई है, अगर वहाँ एलियंस होंगे तो उन्हें पृथ्वी पर डायनासोर दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ये गैलेक्सी अर्थ से 450 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। हबल टेलीस्कोप ने गैलेक्सीज तो डिस्कवर की पर उनके प्लैनेट्स की डिटेल अच्छे से नहीं दे पाई। शायद फ्यूचर में लॉन्च होने वाली टेलीस्कोप जेम्स वेब जो कि इतनी पावरफुल है अगर 40 किलोमीटर दूर एक रुपए का सिक्का पड़ा होगा तो उसे भी क्लियर देख सकती है। पर वैज्ञानिकों के लिए एलियंस के सिग्नल्स देखने में दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल ने बताया था कि कोई भी भारी ऑब्जेक्ट हल्की ऑब्जेक्ट से पहले जमीन पर गिरेगी क्योंकि ग्रेविटी भारी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पहले खींचती है। बहुत सालों से लोग एरिस्टोटल की इस बात को सच मानते आए थे, पर जब इटालियन पॉलीमैथ गैलीलियो गैलीली आए और उन्होंने बताया कि भारी ऑब्जेक्ट का तो ग्रेविटी के साथ कुछ लेना देना ही नहीं है, भारी ऑब्जेक्ट एयर रेसिस्टेंस की वजह से पहले नीचे गिरती है ना कि मास की वजह से, एरिस्टोटल को गलत साबित करने के लिए गैलीलियो गैलीली एक हल्की बॉल और एक भारी बॉल लेकर अपने घर की छत पर नहीं बल्कि द लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा पर चढ़ गए। जब उन्होंने दोनों बॉलों को ऊपर से नीचे छोड़ा तो उन्होंने देखा कि दोनों बॉल लगभग एक ही साथ नीचे जमीन पर गिरी और उन्होंने एरिस्टोटल को गलत साबित कर दिया। सेम एक्सपेरिमेंट नासा ने भी किया, पर नासा ने यह एक्सपेरिमेंट घर या लीजा टावर पर चढ़कर नहीं बल्कि चांद पर किया। अपोलो 15 मिशन के दौरान कमांडर डेविड स्कॉट मून पर गए तो अपने साथ एक हथौड़ा और एक पंख लेकर गए थे। उन्होंने मून पर दोनों को एक साथ छोड़ा तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज सबसे पहले नीचे गिरी होगी? जब डेविड स्कॉट ने दोनों को एक साथ छोड़ा तो हथौड़ा और पंख दोनों एक साथ ही नीचे गिरे और गैलीलियो की बात सच साबित हुई। जैसे जैसे टीवी और रेडियो बढ़ रहे हैं उनकी वजह से बहुत सारे सिग्नल्स भी धरती से स्पेस में बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो भी सिर्फ एक सेकंड में। जैसे धरती पर से सिग्नल्स जाते हैं शायद वैसे ही एलियंस प्लैनेट से भी सिग्नल्स धरती पर आ रहे होंगे। यही जानने के लिए सैटी ने रेडियो टेलीस्कोप बनाए और चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाया जो कि 500 मीटर बड़ा है। सैटी के रेडियो टेलीस्कोप ने बहुत सारे सिग्नल्स कैच किए हैं जिन्हें एक एक करके देखने में सैटी के वैज्ञानिकों की पूरी उम्र निकल जाएगी और फिर भी पूरे नहीं देख पाएंगे।
क्योंकि सैटी के रेडियो टेलीस्कोप एक सेकंड में 100 बिलियन सिग्नल्स कैच कर रहे हैं। इसी वजह से सैटी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, सैटी एट द रेट होम। इस सॉफ्टवेयर को आप भी डाउनलोड कर सकते हैं और जो डाटा सैटी के रेडियो टेलीस्कोप ने कलेक्ट किया है उन्हें चेक करके इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप भी एलियंस का पता लगा सकते हैं, और वो भी सिर्फ अपने स्मार्टफोन से। अगर आपने एलियंस का पता लगा लिया तो आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा और प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का मौका मिल सकता है। सैटी से पहले 1820 में जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने एलियंस को मैसेज भेजने का आइडिया दिया। उनका आइडिया ये था कि बहुत बड़े तीन ट्रायंगल बनाओ और उनमें गेहूं और चावल रख दो, जिससे एलियंस उन्हें देखकर अर्थ पर आ जाएंगे। पर उनके इस आइडिया के लिए किसी ने भी फंड नहीं दिया। फिर 20 साल बाद एक और वैज्ञानिक आए, जोसेफ वॉन लिटरो, और उन्होंने भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से कॉन्टैक्ट करने का आइडिया दिया। उनका आइडिया था कि 32 किलोमीटर बड़ा छेद करो और उसमें मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो, जिसे देखकर एलियंस अर्थ पर आ जाएंगे। पर उनके इस आइडिया के लिए किसी ने भी फंड नहीं दिया। फिर एक एस्ट्रोनॉमर ए मर्शर आए और उन्होंने मार्शियन से कॉन्टैक्ट करने का आइडिया दिया। उनका आइडिया था कि आइफल टावर पर शीशे लगा दो और जो लाइट सन से आए उसे मार्स की तरफ मोड़ दो। पर उनके इस आइडिया के लिए किसी ने भी फंड नहीं दिया। फिर आए अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन, उन्होंने एलियन से कॉन्टैक्ट करने का आइडिया दिया, और उनका आइडिया था इंसान की फोटोज और गाने एलियंस के पास भेजने का। कार्ल सेगन के इस आइडिया के लिए फंड मिल गया। उन्होंने और उनकी टीम ने एलियन से कॉन्टैक्ट करने के लिए गोल्डन रिकॉर्ड बनाया, जिसमें फोटोज, गाने और ग्रीटिंग्स डाली। फिर नासा ने गोल्डन रिकॉर्ड वॉयजर 1 में अटैच कर दिया, जो कि प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास जा रहा है। वॉयजर 1 को वहां जाने में 30,000 साल लग जाएंगे। शायद वैज्ञानिक उससे पहले ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का पता लगा ले।